शिक्षा का लेला मसाल हो, चमकी तोहरी झोपड़िया। कौने कारण से तोहर इज्जत न होवेला, कौने कारण से तोहर इज्जत न होवेला। शिक्षा के तिलवा से दीवा जलावेला, शिक्षा के तिलवा से दीवा जलावेला। अब होई इज्जत सम्मान हो, चमकी तोहरी झोपड़िया। अच्छा वृंदा जी, अभी हमने देखा आप बहुत अच्छा गा रही थी और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। कहाँ से सीखा आपने गाना? ये साक्षरता अभियान में ही सीखा है। MT ट्रेनिंग, VT ट्रेनिंग, RP ट्रेनिंग, साक्षरता अभियान से ही ये सीख मिला है। और हमेशा मतलब ये जो ट्रेनिंग जब होता था तो हमेशा हम भाग लेते थे और लेते भी थे और लेते भी हैं। लेकिन हमने ना स्कूलों में आमतौर में देखा है, टीचर आते हैं और ब्लैक बोर्ड में आकर के लिख देते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन आपको ये तरीका कहाँ से आया, खेल खेल में पढ़ाई करा देना? जहाँ भी ट्रेनिंग होता है हमको चिट्ठी हमेशा मिलते रहता है, हमको वहाँ बुलाया जाता है, जाते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अच्छा क्या क्या पढ़ाती हैं आप? इसमें 1 से लेकर 5 तक होता है, जो उसमें सब्जेक्ट रहता है। गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है। और जैसे अभी 5 क्लास मतलब इस बार हुआ है तो 5 क्लास में मतलब संस्कृत भी चलता है। और आपके स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो कैसे ये सब मैनेज करते हैं? बिल्डिंग नहीं है, यहाँ का थोड़ा सा पब्लिक का कुछ कमजोरी है। पब्लिक जो है यहाँ का मतलब यहाँ ज़्यादातर गरीब वर्ग हैं और SC लोग हैं, इसकी वजह से ये लोग पास इन लोग को खुद रहने का मतलब जगह बहुत कम है। तो फिर मतलब ये भवन के स्कूल निर्माण के लिए कहाँ से निकालेंगे? आप साक्षरता का काम भी कर रही हैं, साथ में स्कूल में पढ़ा भी रही हैं और बहुत से काम कर रही हैं, तो इन सब में क्या फ़र्क है, कैसे आप इनको इस्तेमाल में लाती हैं अपने काम में? तो मान लीजिए मिट्टी का लोया है, मिट्टी के लोया का हम तरह तरह का बर्तन बना सकते हैं, तो वह उससे जल्दी बच्चा नहीं पकड़ पाता है। और जो हम तोड़ तोड़ करके उसको बचाएंगे तो उससे बच्चा जल्दी पकड़ता है। तो इससे हमको ज़्यादा सीख मिला है साक्षरता में। और जैसे मतलब यहाँ से भी हमको अभियान से भी ट्रेनिंग हुआ 10 दिवसीय, 2 बार ट्रेनिंग हो चुका है। और उसमें जो है ये नहीं है, यदि हमको पहला पार्ट पढ़ाना है तो पहला पार्ट को पढ़ाना है तो उसमें समझाना कैसे है, उसको तोड़ के बच्चे को बताना कैसे है, ये सारा चीज़ उसमें जो है निचोड़ के बताया जाता है। आपकी नज़र में असली साक्षर व्यक्ति कौन है? साक्षर बहुत तरह का है। एक व्यक्ति जैसे है जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके अंदर ज्ञान ज़्यादा है, और एक व्यक्ति जो है पूरे हाई फाई पढ़े लिखे हैं लेकिन उसको उसके अंदर उतना जैसे किसी के बड़े या छोटे का कोई कदर करना नहीं जानता है, उस पर अपने पढ़ाई पर गर्व होता है, वे हम उनको साक्षर नहीं मानते हैं। जी का मतलब जो है सो यहाँ पर मैट्रिक भी हुआ, इंटरमीडिएट भी हुआ, अभी ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हैं अभी। उनको मेहनती हैं और लगनशीलता है इनमें काफ़ी, मतलब एक बात है कि लगनशीलता काफ़ी है, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि काफ़ी है। हाँ इनका थोड़ा सा कस्टमर रहा है सफ़र समय ना, लेकिन बात यह है कि हमको जैसे आकर बोले हमारे वाइफ के मतलब थोड़ा सहेली भी रही हैं, तो उसके बाद इनका थोड़ा सा आर्थिक स्थिति थोड़ा दयनीय तो काफ़ी रहा है, इसमें कोई नौबत नहीं है। तो हम बोले कि भाई आप पढ़िए, हाँ हम आपको पढ़ाएंगे। और यह है कि अपना घरेलू टर्म है, हमारी बच्ची लोग कभी मैंने आकर के बंदे पढ़ा देती हैं, महिला तो पढ़ी है आकर के, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जितना लगनशीलता इनमें है ना और पढ़ने के प्रति अभिरुचि जितना है, अभी इस उम्र में बहुत होता है कम हम देखें।
सर ये जो इकोनॉमी में अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का पिता का नाम मतलब अर्थशास्त्र के पिता का नाम क्या था ध्यान में था लेकिन भूल गए थे सोचे थोड़ा सा सबसे पूछेंगे। देखिए अर्थशास्त्र के जो मुख्यतः जो परिभाषा जो दिए वो सबसे पहले दिए एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ, और उसके बाद फिर मार्शल आए इंडिविजुअल सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज मटेरियल कॉस्ट ऑफ वेलिंग। अर्थात हिंदी में उनका जो रूपांतर इसका परिभाषा है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्य के साधारण व्यवसायिक जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन कराता है, यह मनुष्य समाज के उन पक्षों का परीक्षा करता है जिसका कल्याण भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपयोगिता से घनिष्ठ संबंध रखता है। अभियान के तहत आप वृंदा देवी के संपर्क में कैसे हैं? ऐसा सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैं उन्हें कोई मदद करने के ख्याल से ही ढूंढ के निकाला सो नहीं, उस समय मेरी जरूरत थी, समाज की जरूरत थी, ऐसे महिलाओं को हम लोग ढूंढ रहे थे जो समाज के बारे में के लिए कुछ समय दे सके, कुछ काम कर सके, इसीलिए हम लोग जब ढूंढते ढूंढते पता करते करते इन तक पहुँचे तो एक कार्यशाला में एक सम्मेलन में महिला सम्मेलन में इनको इनवाइट किए और वो आई और उसके बाद से इनसे इनके साथ लगातार संपर्क रख करके इनको हम लोगों ने बाहर निकाला और इनके संग मतलब इनकी जो दुख भरी जिंदगी है उसके संग हम लोग हो गए एक तरह से कहा जा सकता है, और समय समय पर जो भी हो पाई जो भी बन पाई उससे हम लोग मुक्त तौर पर अगर कहा जाए ये कहा जा सकता है कि हौसला दे करके ज़िंदगी जीने की हौसला हम लोगों ने इनको दिया, इसके अलावे मैं कुछ नहीं दिया। अच्छा दादा आपकी नज़र में साक्षर महिला क्या है? साक्षर महिला वो जो खुद निर्णय ले सके, पढ़ना लिखने के साथ में वो विकट परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाए तो उसको हम साक्षर महिला समझ सकते। क्या वृंदा देवी जी साक्षर महिला है? जी निश्चित तौर से, न केवल इतना ही आज की वृंदा देवी में, वृंदा देवी आज एक महिलाओं को नेतृत्व करने की क्षमता वृंदा देवी में आई, अपनी विकट परिस्थिति में तो निर्णय ले ही सकती है, बाकी महिलाओं को आज वो नेतृत्व भी कर रही है। उनकी स्पेशल क्वालिटीज क्या हैं? उसमें स्पेशल क्वालिटी विकट परिस्थिति में चीज़ों का समाधान करना, ये उनकी परिस्थिति है। इनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ के इनकी मुख्य भूमिका में समाज का एक लीडर के तौर पे इनको देखना चाहते हैं और महिलाओं का एक नंबर के लीडर बने, समाज का लीडर बने, ये हम लोग चाहते हैं। जूही अर्जुनात वा स्लो लगा के कान और देखो देखे ध्यान प्रस्तुत है हमारी नर्तकी लेके उड़ गई हमारी जान कोडरमा में आप जैसी महिलाओं को साक्षरता के अभियान से क्या क्या फायदे मिले? बहुत लाभ मिला। जो महिला घर से नहीं निकलती थी वो महिला अभी काम कर रही है, जो महिला घर से नहीं निकलती थी वो महिला ब्लॉक में जाके लड़ रही है, जो महिला घर से जो किसी से बात नहीं करती थी वो महिला लड़ाई में आंदोलन में तैयार हो जाती है, लाठी डंडा लेकर तैयार हो जाती है, जो महिला किसी से बात नहीं करने जानती थी वो महिला पंचायत करने जाती है,
तो हमको काफी इससे सीख मिला, काफी हमको फायदा हुआ। जब आप साक्षरता में आई तो आपके परिवार वालों ने, मतलब कुछ तो परेशानियां हुई होंगी ना आपको, तो क्या संघर्ष करना पड़ा उस समय आपको अपने परिवार से, घर से, यहाँ साक्षरता में आने के लिए? जब मेरा जीवन में जब काफी जैसे तकलीफ हुआ तो हमको 10 वर्ष मतलब हमारे घर परिवार चौकट के अंदर रखे हैं। 10 साल हम मतलब अपना जीवन का जो है सो चौकट के अंदर रहे और घर से बाहर हमको निकलने नहीं दिए। तो इसके जब हम घर से बाहर जब निकलने लगे तो हमारे साथ में जो है काफी हमको एक ठो डर पैदा होता था, भय लगता था, बोला हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। और जब घर से बाहर निकलते थे मेरा हाथ पैर कपता था, किसी के सामने हम बात नहीं कर पाते थे और पूरा थरथराहट मालूम देता था, बोला हम पता नहीं हम उनके सामने क्या चोरी किए हैं। इस तरीके से मेरा भर्म बन जाता था शरीर के अंदर। हमने सुना है कि यहाँ एक प्रथा है कि महिला को डायन बना दिया जाता है, ये क्या है? जिसके घर में 4 बेटा है, जिस महिला को 4 बेटा है उसको लोग डायन नहीं बनाता है, जिसका पति मर गया हो उसको लोग डायन बनाता है, ये उसका कमजोरी ढूंढता है। ये महिला को कोई आगे पीछे कुछ मतलब कोई मदद करने वाला नहीं है, इसको हम जो चाहें वो करके पार हो जाएंगे। तो हमको भी डायन बनाया गया था, ये डायन है। आपको डायन किस कारण बनाया गया था? जैसे कारण ये था हमारे घर का कुछ मतलब घर परिवार का कुछ मतलब उसमें हिट दिया गया था, जिस तरह से इसको जलील किया जाएगा तो ये यहाँ से छोड़ करके चली जाएगी। जायदाद का मतलब उसका कुछ मतलब घर परिवार का कुछ कारगुनी था, कहने का मतलब ही था जिस इसके साथ इस तरह से करेंगे अकबकाहट होगा इसके साथ में तो वहाँ से चली जाएगी, हमारा हिस्सा बच जाएगा, मतलब एक प्रॉपर्टी के लिए। हमारे परिवार में सारा परिवार है, हमारे सास ससुर ननद गुतनी देवर देरानी सब। मेरी 2 लड़की हैं अभी, दोनों ससुराल में हैं, एक लड़की अभी मतलब बीकॉम की हुई है और पारा टीचर में अभी पढ़ा रही हैं, और छोटी लड़की है सो अभी आईकॉम कर रही है। बेटी को पढ़ाई देखकर बड़ा आनंद मिलता है। नाती, हाँ 2 नाती हैं, एक नाती मेरा 3 साल का है, एक नाती मेरा 9 महीने का है। अच्छा जीवलाल जी, आप वृंदा देवी जी के बड़े ससुर हैं, हम आपसे कुछ उनके बारे में पूछना चाहते हैं, तो संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए मुझे उनके बारे में। वो हमने यहाँ जब से आई है तो अपना पढ़ी लिखी तो कुछ है समय ना, उसके बाद उसका पति जो था ना आपको लखनऊ में मारा गया समय ना, उसके बाद तो फिर संस्था पकड़ी है मास्टर जी का समय ना, ताराई थी मैं टीचर में, उसी में काम कर रही है, अपना गुजर बसर कर रही है। आपकी बहू के साथ एक हादसा हुआ तो क्या आपके छोटे भाई ने यानी उनके ससुर ने उनकी कोई मदद नहीं की? क्या हुआ फिर उतना ही, इसका जो ससुर है ना मेरा महिला भाई, वो कोई काम धाम मैंने वो इसको कोई मदद नहीं किया, परेशान रही। इसका भाई लोग है रेलवे में, एक तो भाई है इसका काम करता है, वो मदद किया, जब तक इनका पिताजी रहा वो मदद किया, यही सब मदद किया उन लोग। आपने अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश नहीं की? ये एरिया ऐसा है ना कि वो किसी का सुनने वाला नहीं है, कोई किसी का बात को सुनेगा नहीं, लोग अपना जो मन हुआ वही किया। अरे क्या बताऊं मैं, थर्ड क्लास आदमी, क्या विचार ठीक नहीं। उनकी 2 बच्चियां थी, वो उनके अपना खून था, तो क्या उन्होंने उनको कोई सहारा नहीं दिया? बात तो जरूर है लेकिन आपका समाज अरे इसका समझ में आसमान जमीन का बाप फर्क पड़ता है, समझा ना, समझदारी तो होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। भाई टूर तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बहुत ज्यादा अमित, और अब धीरे धीरे साक्षरता अभियान की परतें खुल रही हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा क्या सीखा तुमने? यही कि देश की औरतों का संघर्ष अभी और कितना लंबा चलेगा। भाई इन औरतों की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह की गिनी चुनी महिलाएं कितनी हैं इस देश में? सवाल ये नहीं है कि कितनी हैं, मुझे लगता है रास्ते कुछ कम ही सही, लेकिन ये रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं जहाँ औरतें अपनी कल्पना अपने विचारों के उड़ान भर सकती है। ये बात तो हम किसी के बारे में कह सकते हैं? नहीं तुम गलत कह रहे हो, हजारों सालों के शोषण और दबाव के कारण औरतों के रास्ते बंद थे, उनके सोचने की शक्ति के ख्याल को भी पाप माना जाता रहा है,
घर में, समाज में, कहीं भी, खासकर गरीब जातियां और समाज इस बात को मान चुके थे कि बुद्धि का काम सिर्फ मर्दों का है और औरतों का काम है उस पर अमल करना। हेमा, इतिहास उठाकर देख लो, ऐसी बहुत कम मिसालें मिली हैं जहां औरतों की चली है। लेकिन तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ साक्षरता आंदोलन में महिलाओं पर स्टडी करने आए हैं, बस और कुछ नहीं। तुम सही कह रहे हो अमित, मैं एक औरत हूं ना, इसलिए सिर्फ स्टडी नहीं कर सकती, मैं खुद को आईने में देख रही हूं। इतनी आजादी के बाद मुझे लगता है कि मुझ जैसी औरत और इन जैसी महिलाओं की स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया है। रबिश, ये क्या कह रही हो? तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, तुम्हारी परवरिश और तरह की है, तुम्हारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तुम्हें, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो अमित। हमें अपने घरों में झांक कर देखना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि कोई खास अंतर नहीं है। अपनी माँ, अपनी दादी का जीवन याद करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हेमा, मैं इतना इनसेंसिटिव नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी बात का एहसास है, लेकिन मैं जिस बदलाव की कल्पना करता हूँ वो हर तरफ, हर दिशा का बदलाव, सिर्फ एक तरफ का बदलाव नहीं। लेकिन महिलाओं के जीवन का बदलाव ही तो उसका मूल मंत्र है। अगर उनके जीवन का कुछ भी बदलता है तो समझो वक्त का पहिया मुड़ गया, दिशा बदल गई है, और बहुत जल्दी यही बदलाव पूरे देश को अपनी लपेट में ले लेगा। चलो मानता हूँ, लेकिन सारा जीवन बदलेगा ये मुमकिन नहीं है। दूसरे देशों में भी जहाँ महिलाएं काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, वहां भी उन औरतों का हाल पूरी तरह से नहीं बदला है। अमित, जीवन और संघर्ष का द्वंद हमेशा चलता रहेगा, और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये धरती जीवित है और हमारी बहस भी यूं ही चलती रहेगी। अब चलें? चलो। अच्छा सरिता, तुम आज अपनी यहाँ मम्मी से मिलने के लिए आई हो ना गांव में? हाँ। कितने दूर है तुम्हारा गांव यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर। अच्छा, तो अब तो तुम्हारी शादी हो गई, एक बच्चा भी है, सो रहा है अंदर, तो मुझे थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ। क्या क्या हुआ बचपन में? अपना बच्चा के बारे में? अपने बचपन में के बारे में। अपना? हाँ, अपने बचपन में बहुत तकलीफ उठाना पड़ा हम लोग को। जब मेरे पापा डेथ किए थे उसमें हम लोग को ज्ञान नहीं था। मम्मी बहुत संघर्ष करके हम लोग को पाली है। जिस समय यहाँ पे रहते थे उस समय दादी हम लोग को खाने के लिए बहुत दिक्कत करती थी। उस समय मम्मी नानी घर जाती थी, चावल लाती थी और यहाँ पे हम लोग को खिलाती थी। उस समय हम लोग को दादी शिकायत करती थी कि यहाँ मेरे मामी लोग को बोलती थी कि तुम वहाँ पे चावल देती है अपने ननद को तो वहाँ ननद तुम्हारी बेच देती है। हम लोग थोड़ा कुछ दिक्कत करते हैं। मेरी तो यहाँ पे दादी मम्मी से खूब लड़ाई करती थी, खाने पीने में बहुत दिक्कत करती थी। जब हम लोग को मम्मी पढ़ाती थी, बच्चे लोग को पढ़ा के हम लोग को पढ़ाती थी, तो उसमें सबसे लड़ाई करने लगती थी औरत लोग से कि तुम खाए मेरे बहू के पास पढ़ने के लिए भेज देती बच्चे लोगों को। तो पढ़ाई कैसे, माने आप लोग को जो पढ़ाई करवाई, हाँ, कैसे आप लोगों ने फिर आगे तक? मम्मी इसी तरह रात को सिलाई करती थी तो पैसा होता था तो उसे कॉपी कम खरीद देती थी तो जाते थे पढ़ने के लिए। हाँ, खबर किया हुआ है एक दो दिन के पहले। हाँ, तो वो लोग समय दे देगी, वो लोग को पहले खबर किया रहता है ना, तो मतलब समय देती है। आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म स्थान पारसनाथ हुआ, माँ का घर। वहाँ पे 4 भाई हैं, 1 बहन थे। हमारे यहाँ व्यवस्था थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का बहुत कम था,
काफ़ी दूर जाना पड़ता था। हमारे गांव की जो हैं लड़के हैं और लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी। मेरे घर में सभी लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन हाँ कोई जैसे ज़्यादा मतलब पढ़ाई न कर पाए, जो जैसे भाई लोग थोड़ा सा बाहर जा कर के कुछ पढ़ाई किए, लेकिन वहाँ के लड़की कोई नहीं पढ़ी थी। तो नहीं पढ़ने के कारण हमारे भाई लोग कुछ जैसे बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद हमारे भाई ले करके पढ़ने के लिए ले जाना अपने साथ में शुरू किए। हमारे घर में कोई पढ़ी लिखी नहीं, मेरी एक बहन है तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ाई है। तो जब भाई लोग अपने गोद में हमको उठा करके ले जाने लगे, ले आने लगे, तो नहीं हमारी एक बहन है, अच्छा बात नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है ये ठीक बात नहीं है, हम लोग चाहते हैं जिस तरह से हम लोग पढ़े लिखे हैं उसी तरह हमारी बहन भी पढ़े। पढ़ाई जब शुरू किए तो हम कहते हैं माँ भी तो है लड़की, तो माँ जब तक नहीं पढ़ेगी तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। आपकी और आपकी बेटी ने एक साथ पढ़ाई शुरू की, कॉलेज में एडमिशन भी साथ लिया, तो आपके अनुभव कैसे रहे? हम जब जाने लगे कोचिंग में पढ़ने के लिए तो हमारी बेटी कहने लगी हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। हम कहे क्यों नहीं जाइएगा पढ़ने के लिए, क्या बात है, इसमें क्या सवाल है, आप हमसे कीजिए डायरेक्ट सवाल कीजिए। तो बोल नहीं तो आप जाते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी बड़ी बेटी यहीं पर थी, तो बड़ी बेटी बोली जो बोली से बोली ये बात आपस कर लेना, मम्मी जाएगी आपके साथ पढ़ने के लिए, और जब तुमको पसंद नहीं लगता है तो मम्मी जाएगी तो तुम आओगी तो मम्मी जाएगी, लेकिन मम्मी का पढ़ाई हम लोग दोनों मिलकर इनको मजबूती बनाएंगे। अच्छा, जो यहाँ का ग्रामीण समाज है वो काफ़ी रूढ़िवादी है, कहते हैं कि उसमें औरत के लिए कोई खास जगह नहीं है, तो कैसे आपने अपनी जगह बनाई? जब तक एक नहीं निकलेगा दूसरा नहीं निकलेगा, वे जंजीर बाई जंजीर जुड़ते जाएगा। यदि आज हम निकल गए तो हमारे अगल बगल का भी कोई देखता है और कोई उससे उसको ताकत मिलता है। आप इतने सारे काम करती हैं, घर संभालती हैं और साक्षरता का काम भी कर रही हैं, तो गांव-गांव जाकर आप औरतों को क्या समझाती हैं? हम एक दूसरे को सहारा कर रहे हैं, आप भी एक दूसरे को मदद कीजिए, उसे एक दूसरे इस तरीके से हमारा जो महिलाओं का जो है संख्या जो आज मतलब दबा हुआ अधिक संख्या में है, वे हमारा संख्या जो धीरे धीरे कम होते जाएगा और कम महिला दबी रहेगी और ज्यादा महिला ऊपर उठेगी। क्या बात है हेमा, और सीरियस नजर आ रही? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वृंदा देवी के बारे में सोच रही थी। क्या? यही कि इस अनपढ़ समाज में अंधविश्वास की जड़ कितनी गहरी है, एक जिंदा इंसान को कितनी बेरहमी से डायन बना दिया जाता है, वो भी सिर्फ जमीन की लालच के लिए, और वो भी एक विधवा और दो बच्चों की माँ के साथ। अमित, ये लोग ये भी नहीं समझते कि वो दो बच्चे उनका अपना खून है। ये कोई नई बात नहीं है, इंसान बहुत खतरनाक चीज है, कोई जानवर भी अपने बच्चों को इस तरह सड़क पे नहीं फेंकता। बिल्कुल अमित, लेकिन कमाल की औरत है वृंदा देवी। वो तो है ही, लेकिन जब घर वालों ने उनको सहारा नहीं दिया तो बाहर वालों ने, खास करके साक्षरता अभियान वालों ने उनको सहारा दिया। यही तो मैं तुमसे कह रहा था कि बदलाव हर दिशा में होना चाहिए, केवल एक दिशा में नहीं। क्या मर्द और क्या औरत, सबके लिए एक ही बात। लेकिन अमित, अगर वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं करती तो शायद कोई उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। रियली, शी इज अमेजिंग वुमन, शी इज अ ग्रेट फाइटर। यही तो हमारे फ्यूचर के लिए होप है, उम्मीद है, जिसके भरोसे ये देश एक नई दिशा पकड़ सकता है। Yeah, I'm ready.